हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कुक विद विद्या एंड मिकी में आपका फिर से स्वागत है। तो आज मैं आप लोग के लिए बनाई हूँ कटहल का कोफ्ता, जो बहुत ही स्वादिष्ट और बहुत ही लाजवाब है। तो चलिए वीडियो में आप अंत तक बने रहें, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम कोफ्ता की तैयारी कर लेते हैं। तो ये है कटहल, इसे मैंने पहले उबाल लिया है। आप इसे 3 सीटी लगाएंगे, कटहल अच्छे से उबल जाएगा। अब इसे अच्छे से हमें मैश कर लेना है। ये देखिए आराम से ये मैश हो जा रहा है। तो ये देखिए ये अच्छे से मैश हो चुका है। अब इसमें हम डाल देते हैं ये अदरक और लहसुन का पेस्ट है, थोड़ा सा धनिया पत्ता, कटी हुई हरी मिर्च, थोड़ा सा गरम मसाला, हल्दी। अब लास्ट में हम डालेंगे बेसन। बेसन पहले ज़्यादा नहीं देना, थोड़ा सा देते हैं और इसे अच्छे से मैश कर लेते हैं। और इसमें पानी मिल जाएगा, इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे, क्योंकि कटहल में ऑलरेडी पानी रहता है। तो इसे देखते हैं कि बेसन की कितनी ज़रूरत पड़ेगी हमें। इसमें थोड़ा सा और बेसन लगेगा और नमक स्वाद अनुसार देंगे और फिर इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। थोड़ा सा साबुत जीरा भी दे देंगे। अब इसकी हम एक लोई बना लेते हैं कोफ्ते के। ये देखिए छोटा बड़ा आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। ये देखिए अब इसी तरह सारा बना लेते हैं। तो ये देखिए इसी तरह सारा हम बना लेते हैं। और आपको एक बात बता दूं, इसमें बेसन आप ज़्यादा मत दीजिएगा, नहीं तो कोफ्ता आपका एकदम टाइट हो जाएगा और एकदम सख्त हो जाएगा। इसलिए बेसन जितना लगे आप उतना ही दीजिएगा। जब तक हम कोफ्ता बना रहे थे तब तक मैंने तेल चढ़ा दिया था। अब इसमें कोफ्ते को डाल दूंगी। पहले हम थोड़ा सा चेक कर लेते हैं कि हमारा गर्म हुआ है कि नहीं। तो ये देखिए गर्म हो चुका है, तो आप कोफ्ते को डाल देंगे। आपकी कढ़ाई में जितना आए आप उतना ही डालें, एक साथ ज़्यादा मत डालें। अब इसे पलट लेते हैं। तो ये देखिए कोफ्ता हो चुका है। तो इसे मैं प्लेट में निकाल लेती हूँ और बचे हुए को इसी तरह तल लेंगे। बचे हुए को भी इसी तरह तल लेना है। अब देखिए कोफ्ता बन चुका है। अब तेल को थोड़ा सा मैंने निकाल लिया क्योंकि तेल ज़्यादा था। अब 2 चम्मच तेल मैंने सिप रखा है। अब ये गर्म है तो इसमें हम डालेंगे जीरा, साबुत जीरा, और ये कुछ गरम मसाला, दालचीनी है, छोटी इलायची है, लौंग है और काली मिर्च है और एक लाल मिर्च है। तो इन सभी चीज़ों को डाल देंगे और इसे भी चटकने देते हैं। अब इसमें एक तेज पत्ता भी डाल देंगे और ये सब चीज़ देखिए अच्छे से चटक चुका है। तो अब इसमें डाल देंगे कटा हुआ प्याज और इसे सुनहरा रंग होने तक भूनना है। जब तक प्याज का कलर चेंज नहीं हो जाएगा हमें इसे भूनना है। तो ये देखिए प्याज का कलर चेंज हो चुका है। तो अब इसमें हम डालेंगे 2 टमाटर को हमने मिक्सर जार में पीस लिया था। अब टमाटर थोड़ा सा भून जाने के बाद डालेंगे इसमें हल्दी, धनिया पाउडर और ये अदरक और लहसुन का पेस्ट है। इन सभी को डालने के बाद इसे अच्छे से भूनना है। अब इसमें हम डालेंगे कोफ्ते को कलर अच्छा दिखने के लिए हमें इसमें डालना है कश्मीरी लाल मिर्च। ये तीखा नहीं होता है लेकिन इससे कलर बहुत ही अच्छा आ जाता है। अब डाल देंगे नमक स्वाद अनुसार और इसमें मैंने मलाई रखा है, घर की ये मलाई है, ये दे देंगे। अगर आपके पास है तो दीजिए, नहीं तो ये पूरी तरह से ऑप्शनल है। और इसे डालने के बाद इसे अच्छे से भूनना है। मसाले को हमें अच्छी तरह से भूनना है। मसाला जब तक अच्छी तरह से नहीं भुनेगा सब्जी के स्वाद में नहीं आएगा। मसाला सबसे इम्पॉर्टेंट होता है हमारी सब्जी के लिए, कोई भी सब्जी के लिए मसाला सबसे इम्पॉर्टेंट होता है। इसे जब तक आप अच्छे से नहीं भूनेंगे तब तक इसका स्वाद नहीं आएगा। तो इसे अच्छे से भून दे देते हैं। तो ये देखिए मसाले में जब तेल हमारा कढ़ाई से छोड़ने लगता है तो यानी मसाला हमारा कम्प्लीट हो जाता है।
ये देखिए मसाला अच्छे से हमारा भून चुका है, तो इसमें हम डाल देंगे थोड़ा सा धनिया पत्ता और थोड़ा सा और इसे भून लेते हैं। अब ये मसाला अच्छे से भून चुका है, इसमें पानी डाल देते हैं। पानी आप अपने अकॉर्डिंग डालिए। ये देखिए पानी और डाल देंगे थोड़ा सा और बस इसे बॉईल होने देते हैं पानी का। तो ये देखिए ग्रेवी हो चुका है, तो अब इसमें लास्ट में हम डाल देंगे गरम मसाला और इसे 2 मिनट के लिए पकाएंगे और इसे बंद कर देंगे। अब लास्ट में हम इसे कोफ्ते को डाल देते हैं। और ये देखिए हमारा कटहल का कोफ्ता तैयार हो गया है, तो चलिए इसे सर्व कर देते हैं। ये देखिए कटहल का कोफ्ता हमारा एकदम रेडी है और बहुत ही टेस्टी बना है, तो आप एक बार ज़रूर से ट्राई करें। तो इसी तरह सी आसान सी रेसिपी आप लोग के लिए मैं लेके आती रहूँगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब थैंक यू, टेक केयर, बाय। और जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर जरूर घंटी दबाएँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।